सारे बोले बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आपको आज सुबह मुस्कुराने की आजादी है। You are free to smile this morning। और मुस्कुराकर यीशु की आराधना करने की भी आजादी है। And you are free to worship God with a smile on your face this morning। मुस्कुरा सकते हैं आप लोग। थोड़ा जबरदस्ती करना पड़े तो भी इस मामले में कर दीजिए, कोई बात नहीं। Even if you have to do it forcibly, please can you give a smile to the person sitting next to you? मुस्कुरा के हाथ उठा के जोर से बोलिए हालेलुया। Want to welcome again all our visitors and friends to the church this morning। और एक और बार जो भी मेहमान हमारे बीच में है और जो पहली बार आए हैं, हर एक जन का हम स्वागत करना चाहते हैं। Turn to your neighbor and see if they're here for the first time, greet them well, and if they are here every time, greet them even better। और आपके पड़ोस में बैठे व्यक्ति को देखकर आप एक बार मुस्कुराइए, उनका स्वागत कीजिए। देखिए नए व्यक्ति हैं, अगर पहली बार आए हैं तो उनका स्वागत कीजिए। और स्वागत करना चाहते हैं और उन पर आशीष हम बोलना चाहते हैं। This is your second trip. और उनमें से कुछ लोग ये दूसरी बार यहाँ पर आए। It shows us that you love this country, this ministry, and we bless you in the name of Jesus. और ये दिखाता है कि आप बार-बार वापस लौटकर इसलिए आए हैं क्योंकि आप इस देश से, यहाँ की सेवकाई से आप प्रेम करते हैं और इसके लिए परमेश्वर की आशीष आप पर बोलना चाहते हैं। It's good to be in the house of the Lord this morning. परमेश्वर के भवन में आज सुबह आना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात। एक बार और दिल खोलकर फेफड़ों को चलाकर जोर से बोलिए हालेलुया। Chapter 14 this morning. और मिलकर हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में हैं। I'm going to read a few verses together. Are you okay with that? और मिलकर हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। And from verses 12 through 24. और उसके 12वीं आयत से लेकर 24वीं आयत। You will have to pay attention to what the Lord wants to speak to all of us this morning. और आज हम ध्यान लगाएं परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है उस बातों पर। This is not just a lecture. This is not just something information gathering or passing out. This is the living word of God being given to us. By the Spirit of God. यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ आपको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर बांटा जा रहा है जो हमारे जीवनों को बदलने की क्षमता रखता है। मेरे साथ बोले इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। बोले ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप को बोले, जोर से बोले, एक बार और बोले, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। Okay, we'll read the word of God from John 14 verses 12 through 24. Can we stand up to read the word of God? और हम मिलकर खड़े होकर हम एक साथ 14वें अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 12 से लेकर 24वें आयत तक पढ़ेंगे। And we will read it together loudly and slowly. और ऊंची आवाज में हम पढ़ेंगे, धीरे-धीरे पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे और ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे बड़े बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। वर्स 22, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जोर से पढ़िए, वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। जोर से आमीन बोलिए आप लोग।
अपने स्थानों पर आप बैठिए आशीष दे मे गॉड ब्लेस यू ऑल यूहन्ना 14 15 और 16 ये तीन अध्याय मिलकर पवित्र आत्मा की शिक्षा की आधारशिला आपको और हमको प्रस्तुत करते हैं जॉन 14 15 एंड 16 यू कैन फाइंड सम फाउंडेशनल टीचिंग्स अबाउट द होली स्पिरिट और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के ऊपर ये वार्ता प्रकट कर रहा है ब्रेकिंग न्यूज अपने शिष्यों को दे रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं एंड जीसस इज टेलिंग द डिसिपल्स ही इज गिविंग देम द न्यूज दैट आई एम अबाउट टू लीव यू इसलिए 14:1 में वो अपने शिष्यों को बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं एंड इन 14 वर्स 1 जीसस सेज टू हिज डिसिपल्स डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड फॉर आई एम गोइंग टू माय फादर और ये बात कहने के बाद उन्हें शांत बना देने के लिए हियाव देने के लिए तसल्ली देने के लिए उनसे वो कहता है कुछ बातों को जो आज हम देखने जा रहे हैं एंड आफ्टर सेइंग दैट जीसस टेल्स हिज डिसिपल्स दैट ही इज कंफर्टिंग देम ही इज हेल्पिंग देम ही इज स्ट्रेंथनिंग देम बाय स्पीकिंग दीस वर्ड्स एंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं आई एम गोइंग टू माय फादर लेकिन तुम्हारा मन व्याकुल ना हो बट लेट योर हार्ट्स नॉट बी ट्रबल और मैं तुमसे सच सच कहता हूं एंड लेट मी ट्रूली से टू यू जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है दैट व्होएवर बिलीव्स इन मी मैं ये जो काम करता हूं वह भी करेगा और इनसे भी बड़े काम करेगा एंड व्होएवर बिलीव्स इन मी विल डू द वर्क्स आई हैव बीन डूइंग एंड दे विल डू इवन ग्रेटर थिंग्स देन दिस पवित्र आत्मा को समझना पवित्र आत्मा के चरित्र स्वभाव और प्रकटीकरण को समझना इस समय में हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेस टाइम्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द होली स्पिरिट द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट आपको यह समझना काफी नहीं है कि आप पेंटिकॉस्टल चर्च में आए हैं आपको यह जानना जरूरी नहीं है कि केवल आप आराधना में आए जहां पर अच्छा म्यूजिक बजता है या अच्छे लोग आते हैं ऐसे ही नहीं ये कलीसिया पवित्र आत्मा पर विश्वास करती है और पवित्र आत्मा के कार्यों पर निर्भर रहती है और पवित्र आत्मा के द्वारा चलायमान होने वाली ये कलीसिया इट इज नॉट जस्ट इनफ फॉर अस टू नो दैट वी अटेंड अ पेंटेकोस्टल चर्च और वी अटेंड अ चर्च वेयर देयर इज गुड म्यूजिक एंड गुड वर्शिप बट इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट वी बिलीव इन द होली स्पिरिट एंड वी ट्रस्ट एंड वी डिपेंड अपॉन द होली स्पिरिट कभी-कभी हम पेंटेकोस्टल परंपरा के होने के कारण हम इस बात को सीमित कर देते हैं हम बोलते हैं हम स्पिरिट फिल्ड हैं लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा से भरे हुए ही नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा फॉर्म्ड होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा निर्भर होकर बाकी होकर कामों को करने वाले मुझे और आपको बनना है many times we call ourselves Pentecostals and we limit our understanding by saying that we are just spirit filled people but today we need to understand that we need to be formed by the holy spirit we need to be led by the holy spirit and our life should be directed by the holy spirit यीशु अपने शिष्यों को छोड़कर जा रहा है jesus is about to leave his disciples और आगे 18 आयत में कहेगा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा घबराओ मत तुम अकेले नहीं पड़ जाओगे मेरे जैसा एक और सहायक मैं तुम्हें देने जा रहा हूं and in verse 18 jesus says to his disciples i will not leave you as orphans but i will give you a helper who will come and help you मेरे जैसा एक और मैं मेरे शारीरिक रूप में तुम्हारे मध्य में उपस्थित नहीं रहूंगा कुछ समय के बाद क्योंकि मेरे पिता के पास मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे जैसा एक और तुम्हारे साथ रहेगा और दो दिन के लिए नहीं 30 साल के लिए नहीं तुम्हारे साथ हमेशा अब तक बना रहेगा जीसस सेइंग इन अ फ्यू डेज आई विल नॉट बी देयर इन योर अमंग यू इन माय फिजिकल फॉर्म बट आई विल सेंड यू अ हेल्पर जस्ट लाइक मी ही इज एग्जैक्टली लाइक मी एंड ही विल नॉट बी जस्ट विद यू फॉर 2 डेज और फॉर 30 इयर्स बट ही विल बी विद यू फॉरएवर एंड एवर आज सुबह आप क्या विश्वास करते हैं बहुत जरूरी है उसको समझना इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी बिलीव मुझे क्षमा करिए अगर कुछ बातों को मैं बोलूंगा और आपको बुरा लगे या समझ में नहीं आए लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इन बातों को समझाऊंगा प्लीज फॉरगिव मी इफ आई से सम थिंग्स एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और यू फील बैड अबाउट इट बट दिस इज नेसेसरी दैट वी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स मुझे और आपको अनिवार्य रूप से पानी के बपतिस्मे के साथ साथ ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करना है यू एंड मी इट इज नेसेसरी फॉर us to not just receive water baptism but to also receive the baptism of the Holy Spirit. मैं आपको समझाऊंगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ. I'll explain to you why I'm talking like this. तुरंत आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे. You will have a lot of questions in your mind. या फिर तुरंत आपके मन में ऐसी भावना आएगी ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो 26 साल से अन्य भाषा बोल रहा हूँ. And you will feel in your heart that what is speaking this? I have been speaking in tongues for the last 30 years.
others. लेकिन मैं आज सुबह अन्य भाषा के वरदान तक सीमित रहने के लिए नहीं, केवल अन्य भाषा के वरदान के कटघरों में अपने आप को मापने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बड़े-बड़े कामों को करने के लिए प्रभु आज सुबह मुझे और आपको बुला रहा है। But this morning I want to exhort you not to not limit yourself to speaking in tongues, to not limit ourselves to those things, but to move beyond to that to a fullness of the Holy Spirit. दुख की मात है पेंटेकोस्टल लोगों ने पवित्र आत्मा को केवल अन्य भाषा के वरदान में बांध दिया, ताला लगा दिया और चाबी को फेंक दिया। It is really sad that we have locked up the understanding of Holy Spirit to speaking in tongues and we have locked it and we have put thrown away the key. हम इससे ज्यादा समझना नहीं चाहते। We don't want to understand more than that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज सुबह आपको इस मंडली में लेकर इसलिए आया कि आप यीशु के समान और यीशु से बड़े-बड़े कार्य इस जमाने में आप करें। But God has brought you to this church so that you may do things just like Jesus and even more than that in this generation. आप बोलेंगे यीशु मसीह आप इतने बड़े थे, आप इतने बड़े-बड़े काम किए, हम कैसे आपके जैसे काम कर रहे हैं? You may say, Jesus, you were so great, you did so many great deeds. How can you do things like that you did? तभी तो यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोलता है, तुम्हें मेरे काम यदि करने हैं, तुम्हें मेरे जैसे और मेरे से बड़े काम करने हैं, तो तुमको पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो मैं तुझे बहुत जल्दी तुम्हें देने जा रहा हूं। And that's why Jesus is saying to his disciples that if you want to do deeds like myself or even greater than those, you need the Holy Spirit. आप गीत गाते हैं, you sing song, आप प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं, and you give for God, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, you pray for people, इस मंच में आप प्रचार करते हैं, and you preach from this stage, या आप बाजों को बजाते हैं, or you play the various instruments, या आप गेट में खड़े होकर सलाम दुआ करते हैं, or you help and you welcome people on the way, या बाइबल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए आए हैं, or you may have come here to study the word of God, या फिर आप प्रभु के वचन को सिखाते हैं, or you may be teaching the word of God, आप कुछ भी करें इस जग में, इस पृथ्वी में, यदि आपकी सेवा पिता को ग्रहण योग्य होनी है, तो आपकी सामर्थ्य में नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही उस काम को करना पड़ेगा। But let me tell you, whatever you may be doing, if your ministry, if your work has to be successful and acceptable to God the Father, you will have to do it with the anointing of the Holy Spirit. घबराहट के साथ आपके सामने बोल रहा हूं। I'm saying this with a lot of humility and with a lot of fear. कलाकारी प्रस्तुत करना आसान है। It is very easy to present some things in front of people. अनुभव के आधार पर कुछ बातों को प्रकट करना आसान है। Based on your experience or based on your talents, it is easy to present something. लेकिन अभिषेक में रहकर प्रभु की सेवा करना और भी जरूरी है। But it is more important to move in the anointing of the Holy Spirit and to minister before God. मेरे साथ विश्वास करने वाले हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Those who believe with me, let us all जोर से बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, जोर से बोलिए। Thank you. और बोलिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, बोलिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you, Holy Spirit. यीशु ने बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम व्याकुल मत होना। Jesus said, I am about to go, but you do not be troubled. पत्रस यीशु ने उसको डांट कर बोला, चुप हो जा। यीशु ऐसी गंदी बातें मत बोलो। People like Peter said, keep quiet, do not say things like this. लेकिन यीशु ने उसको बोला, तू चुप रहे, तू शैतान का लग रहा है मुझे, हट जा, क्योंकि मैं जाऊंगा, तुम्हारा भला होगा। And then Jesus says, you keep quiet, you seem to be talking from Satan, but if I go, then you will be benefited more. कभी कभी हमारे साथ काम करने वाले जब आगे जाते हैं, तो हमेशा मैं उनसे कहता हूँ, अच्छा हुआ आप जा रहे हो। And many times when people who work with us, they move ahead in life, I say, good that you're going. वो सुनते सुनते ऐसे क्यों बोल रहा है? And they ask me, why are you saying like this? ये मेरे शब्द नहीं, यीशु के शब्द है, मैं जाऊंगा, तुम्हारा भला ही होगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। I say this is not my word, but these are Jesus' words. He said, if I go, it is good for you. पहली बार आज सुबह आपको समझाऊं मैं यीशु के लगी रहा था आजकल यीशु के कार्यों को करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। To do what Jesus asked us to do or to do what Jesus did, we need the Holy Spirit. मिस्र में नहीं है अपन, मक्खियों का आतंक है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह भी है। यीशु के कार्यों को करने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। To do what Jesus did, we need the anointing of the Holy Spirit. क्या है यीशु के कार्य? What are the works of Jesus? प्रचार करना। Is it preaching? गाना गाना। Is it singing songs? Leading करना। Is it to lead? Crusade में प्रचार करना। Yeah, is it to preach in a big crusade? Yes, international ministry चलाना।
और टू वर्क लाइक जीसस मींस टू डू एन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री इज दैट व्हाट इट मींस मैं आपको एक सच्चाई बताऊं आज की तारीख में नम्रता और पवित्रता से जीवन जीने के लिए भी बड़े काम आप मत करो तो भी आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक आज की तारीख में चाहिए इवन इफ यू डोंट डू बिग थिंग्स टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड होलीनेस वी नीड द एनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट आपको किसी की सेवा करने के लिए यीशु के नाम से कुछ भी करने के लिए एक ग्लास ठंडा पानी पिलाने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है इवन इफ यू वांट टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर टू समबडी इन द नेम ऑफ Jesus Christ, we need the anointing of the Holy Spirit. आपको मैं किन शब्दों में समझा मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके कार्यों को यदि यीशु के नाम से आपको कार्य कर रहे हैं आपको अभिषेक की जरूरत है आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है Whatever you do in the name of Jesus Christ to do that, you need the Holy Spirit, you need the anointing of the Holy Spirit. तो आप बोलेंगे मेरे को पवित्र आत्मा बपतिस्मा नहीं मिला मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला तो फिर मैं जो कर रहा हूँ क्या निष्फल है क्या And you may be saying, "Oh, I have not got the infilling of the Holy Spirit. I have not got the anointing of the Holy Spirit. So whatever I am doing till now is that all a waste?" मैं उस पर न्याय का स्टेटमेंट देना नहीं चाहता मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके कामों को यदि करना है आप यीशु के पवित्र आत्मा को आप प्राप्त करें और अभिषेक में पाकर आत्मा में भरकर उस सेवा को I do not want to judge that, but let me tell you, if you want to do what Jesus did, then we need the anointing of the Holy Spirit. कितने लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं How many of you feel that I should pray for others or I want to pray for others? Everybody is not raising hands, everybody is speaking the truth. That is good. आपको मालूम? आपके अनुभव के आधार पर नहीं आपने तीन लोगों के लिए प्रार्थना किया था और वो चंगे हो गए थे अनुभव के आधार पर नहीं आज सुबह हम आपको कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में आप भर जाइए आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वीकार करना लेट मी टेल यू वी नीड नॉट प्रे बेस्ड ऑन अ पास्ट एक्सपीरियंस बट इफ यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट ग्रेटर थिंग्स विल हैपन व्हेन वी प्रे बीमारों के लिए आप प्रार्थना करना चाहते व्हेन यू प्रे फॉर सिक पीपल आप चाहते हैं किसी के घर में जाएं तो उनको तसल्ली मिले एंड यू फील दैट व्हेन आई एंटर इनटू सम हाउस दे शुड गेट कंफर्ट आप दुर्घटनाओं की बातों को सुनते हैं आपका मन टूट जाता है आपको समझ में नहीं आता आप क्या बोले क्या बताएं कैसे करें यू हियर अबाउट एक्सीडेंट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड यू डोंट नो व्हाट टू स्पीक और व्हाट टू से हमारे चर्च के सदस्य भाई इजिकियल जो भी बाड़मेर में रहते हैं वो और उनकी बेटी पिछले दिनों में यहां से बाड़मेर जा रहे थे सांसोर में उनका मेजर एक्सीडेंट हो गया और ऑलमोस्ट गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल पाउडर जैसी हो गई और उसको देखने के बाद आपको लगेगा मैं क्या बोलूं इनको क्या प्रार्थना करें हमें समझ में नहीं आता हमारे शब्द फीके पड़ जाते हैं ब्रदर एंड हर फैमिली हिज फैमिली वर गोइंग टू the city from here and they had this week and they had a major accident and the vehicle was totally destroyed we don't know what to say in those circumstances aur kisi se maine baat ki wo akeli sanchor mein hospital mein unke pati aur bacche ke sath hain unke bhai log aa rahe hain aur wo bol rahi koi baat nahi prabhu sambhalega hame kar and his wife is alone with him and his daughter in the hospital and then she doesn't know what to do but she's saying oh my god we'll take care of him aap kya karoge us samay par what will you do in those circumstances aap kaise us tak pahunchoge how will you reach और बाकी काम प्रभु वहां पर आपके द्वारा करवा बट इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इफ यू आर फिल्ड बाय द होली स्पिरिट इफ यू हैव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट योर वन वर्ड इज इनफ टू ब्रिंग कंफर्ट टू दैट प्लेस रोजमर्रा के जीवन में आप ऐसे सिचुएशंस का सामना करते हैं जो बयान से बाहर है अब क्या करेंगे हम कहना चाहते हैं बड़े कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा से भर जाइए ताकि आप उसका सामना करकर प्रभु की मर्जी को इन दिनों में पूरा कर सके इन योर डेली लाइफ यू फेस थिंग्स यू फेस सर्कमस्टेंसेस दैट आर बिगर देन यू दैट आर बियॉन्ड यू लेट मी टेल यू यू विल बी एबल टू फेस देम एंड ओवरकम देम इफ यू आर फिल्ड बाय द होली स्पिरिट आपको वचन पढ़ने की इच्छा है यू वांट टू रीड द बाइबल लेकिन आपको भाषा नहीं आती है बट यू डोंट नो हाउ टू रीड आपको इंग्लिश नहीं आता उदाहरण के लिए फॉर एन एग्जांपल यू डोंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश और आप बेचैन हैं एंड यू आर ट्रबल कहना चाहते हैं नौजवानों पवित्र आत्मा का अभिषेक में आ जाइए भाषा आपके लिए एक दीवार नहीं बनेगी एक आशीष का कारण आपके लिए बन जाएगी यंग मैन एंड वुमन लेट मी टेल यू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड लैंग्वेज विल नो लॉन्गर बी अ हिंड्रेंस टू यू यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं यू वांट टू सर्व अदर पीपल आप आपके खुद की प्रार्थनाओं का जवाब चाहते हैं एंड यू वांट आंसर्स टू योर ओन प्रेयर्स अगर आप यीशु की सेवा करना चाहते हैं आज सुबह पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए तयार है लेकिन आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सर्व जीसस क्राइस्ट दिस मॉर्निंग यू कैन डू इट इफ यू आर रेडी टू बी फिल्ड बाय द होली विद द होली स्पिरिट पेंटिकॉस्टल डॉक्ट्रिन
ये बात को सिखाता है and the Pentecostal doctrine teaches this to us और इसके अंदर नए बदलाव पिछले 100-125 सालों के अंदर हुए हैं and there have been changes happening in this teachings for the last 100 years ध्यान से सुनिए आप बड़े ध्यान से सुनिए अभी हम क्या बोलने जा रहे हैं and I request you to listen very carefully what I'm about to say सालों तक ये सिखाया गया कि केवल और केवल अन्य भाषा बोलना ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रकटीकरण है for years it was taught that you're speaking in tongues is the only visible manifestation of the gift of the Holy Spirit. पिछले 10-25 सालों में थोड़ा और development उसमें आया और अब ये शिक्षा सिखाई जा रही है और हम इस बात को कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का पहला प्रमाण अन्य भाषा का वरदान है आखिरी प्रमाण नहीं But for the last 25 years there have been changes happening and I want to tell you this morning that speaking in tongues is the first sign of the infilling of the Holy Spirit इसका मतलब यदि आपको अन्य भाषा का वरदान मिल गया That means if you have received the gift of speaking in tongues तो फिर आपकी काम आपके दुकानदारी बंद नहीं हुई आपका भी काम शुरू हुआ है That's not where we stop. That is where we begin. आपकी ज़ुबान बदलेगी. Your tongues will change. आपका जीवन शैली बदलेगा. Your lifestyle will change. आपका रहन-सहन बदलेगा. Or your way of living will change. आपकी सेवा का प्रवृत्ति बदलेगी. And your ministry will change. मिशन के प्रति, आत्माओं के प्रति, प्रार्थना के प्रति, बाइबल के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलेगा. Your attitude towards ministry, your attitude towards people, your attitude towards prayer and Bible will change. और ये जब सब होगा, आप पवित्र आत्मा के द्वारा धीरे-धीरे यीशु की समानता में ढलते जाएंगे and when all of this happens with the help of the holy spirit you will become more and more like jesus christ कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है how many of you are not understanding कितने लोगों को समझ में आ रहा है how many of you understand what i'm trying जोर से बोलिए हालेलुया तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में अन्य भाषा में रुक मत जाइए पवित्र आत्मा एक गहरे सागर के समान है उसमें गोते पर गोते लगाते जाइए नई नई मोतियों को बीनते जाइए और सेवा में लगाते जाइए आत्मा को जीतते जाइए और प्रभु को महिमा देते जाइए so let us not stop at just the gift of speaking in tongues but let us dive into the ocean of holy spirit find out more pores and be filled more and more every day with the holy spirit बहुत साल पहले एक दर्शन मैंने इस प्रकार देखा I saw a vision many years ago like this लोग पवित्र आत्मा के महासागर के अंदर अंगूठा गीला करते हैं और बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिल गया people dip their toes in the ocean of holy spirit and then they say oh I've got the holy spirit अंगूठा तो गीला हो गया सब मान लिया हमने because my toes are wet I've got the holy spirit मैं तो मेरे खानदानी पेंटिकॉस्टल हूं and I am a traditional pentecostal और इसलिए बोलकर अंगूठा गीला कर लेते हैं and so they dip their toes पूरा शरीर सूखा रहता है and the whole body is dry आज सुबह ऐसे लोगों को और जो पहली बार ये सुन रहे हो उन सबको पवित्र आत्मा बोल रहा है महासागर में आओ और प्रेम के सागर में अभिषेक के सागर में सेवा के सागर में मिशन के सागर में गोते लगाओ तुम डूबोगे नहीं आगे से आगे बढ़ते चले जाओ such people like the those who are hearing about this for the first time let me tell you dive into that ocean of service of ministry of love of compassion रोको मत अपने हाथ Holy Spirit रोको मत अपने हाथ don't stop yourself काश कि आज कुछ लोग अपने हाथों को फैलाकर पवित्र आत्मा से बोलने लगे पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य हमें तू दिखा आज तक जो नहीं देखा ऐसे काम जो हमें समझ में नहीं आते तेरे हमारे दिनों में तू दिखा पवित्र आत्मा ऐसे बोलने वालों को पवित्र आत्मा गहराई में और लेकर जाएगा टखनों तक नहीं घुटनों तक नहीं कमर तक नहीं आप चल नहीं सकेंगे ऐसे अभिषेक में पवित्र आत्मा आने वाले दिनों में आपको लेकर जाना चाहता हूं ओ माय डिजायर इज दैट दिस मॉर्निंग सम पीपल विल रेज अप देयर हैंड्स एंड विल प्रे टू गॉड दैट गॉड गिव अस द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट anoint us with the Holy Spirit oh not just up to the toes or not just up to the ankles or the knees oh so that we may swim in it oh we may be filled out by the Holy Spirit आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं you want to read bible आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है you want you need to be filled with the Holy Spirit क्या आपको मालूम है ना एक पेज पढ़ते ही आपको नींद आती है because you read one page and you get sleepy अखबार चाट लेते हैं तो भी rewind करके पढ़ने की इच्छा होती है you read the whole newspaper two times three times in a day लेकिन एक चैप्टर भी आपको ऐसा लगता है बहुत पढ़ लिया अभी बंद कर रहा हूं बट यू रीड वन चैप्टर फ्रॉम द बाइबल ओ यू फील दैट शरीर से आत्मा की बातें मेल नहीं खाती एंड देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन योर स्पिरिट एंड योर बॉडी पत्र में लिखा है शरीर और आत्मा हमेशा एक दूसरे के एंटी है एंड रोमन्स पॉल सेज दैट फ्लैश एंड द स्पिरिट आर ऑलवेज अगेंस्ट ईच अदर आप एक दिन निर्णय लो आज उपवास करूंगा मैं आपको तीन इनविटेशन आएंगे खाने के आपको मालूम यू डिसाइड दैट टुडे आई एम गोइंग टू फास्ट द सेम डे यू विल गेट थ्री इनविटेशंस टू अटेंड द वेडिंग आप सोच लो आज मैं बाइबल पढ़ के ही जाऊंगा ऑफिस और उसी दिन आप जल्दी निकल जाते हैं बाइबल में रह जाते यू विल डिसाइड दैट दिस मॉर्निंग आई एम गोइंग टू रीड द बाइबल एंड ओनली देन आई विल गो फॉर माय जर्नी ऑन दैट डे यू विल शरीर और आत्मा एक दूसरे के
see the struggle, the confrontation between flesh and the spirit. लेकिन उसका जवाब भी उसी में ही है, आत्मा की सहायता से ही, चाहे बाइबल पढ़ना हो, चाहे गीत गाना हो, चाहे पारिवारिक प्रार्थना करना हो, चाहे प्रभु को देना हो, छोटे और बड़े कामों को करने के लिए मुझे रात को पवित्र आत्मा की जरूरत है। But the answer is given in the same chapter, whether to read the Bible or whether to do being family prayer or whether to be ministry and mission, whether to serve other people, we need the anointing of the Holy Spirit. आज सुबह जितने लोग भूखे और प्यासे अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को स्वागत करके बोले, पवित्र आत्मा मैं तेरा हूँ, स्वागत करने की जरूरत नहीं इस कमरे में, वो पहले से है, लेकिन आप बोले मेरा शरीर तेरा है प्रभु, मेरा मन तेरा है, मेरी भावनाएं तेरी, पवित्र आत्मा आप कब्जा कर ले मेरे जीवन के ऊपर और मुझे आप में डूबने का मौका दे, आपकी सच्चाइयों को समझने का, आपके प्रेम को देखने का, आपकी गहराई को समझने का अनुग्रह दे। ऐसे अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को एक मौका आज अपने जीवन के अंदर दे। सुबानों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि बोलने के द्वारा ही आपके अंदर विश्वास उत्पन्न शुरू होने जा रहा है। If you want the infilling of the Holy Spirit, start with the Holy Spirit, oh pray to the Holy Spirit, say God, I want the Spirit in me, I want the anointing of the Holy Spirit in me, oh when I pray, when I minister to people, oh when I read the Bible, oh whatever I do, whether I live, walk or wherever I go, I need that anointing of the Holy Spirit, that infilling of the Holy Spirit in my life. बोले बोले प्रभु मुझे मेरे बच्चों को कैसे पालना मुझे नहीं मालूम, पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक मुझे दे कि इन बच्चों को तेरे राज्य के लिए एक मिसाल बना सकूं, ऐसा अभिषेक मुझे दे। Pray to God and say, God, I do not know how to raise my children, but give me the anointing of the Holy Spirit so that I may raise my children, so that I may have knowledge to raise my children in this generation. आप एक दुकान चलाते होंगे, आप एक बिजनेस करते होंगे, आज प्रभु से बोलो, प्रभु ये बिजनेस आपका है, ये नौकरी आपकी है, आप मुझे मदद करिए, अभिषेक से मुझे भर दीजिए, ताकि मैं नहीं पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर यीशु के कार्यों के इन जमाने में करें। You may be running a shop, you may have a business, you may have a job, but this morning pray out to God and say, God, I am yours. Fill me with the Holy Spirit, so that with the anointing of the Holy Spirit, with the direction of the Holy Spirit, I will do my job or I will run my business. अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा है सेवा सेवा सेवा, अगर आप बोलते हैं आज बोलो पवित्र आत्मा मेरी सेवा नहीं, मुझे आत्मा से भर दे, ताकि मैं यीशु की सेवा इस जमाने में कर सकूं। If you have the smallest desire, or to do ministry, or to serve the church, or pray out to God and say, God, I need to be filled with the Holy Spirit. I need the anointing of the Holy Spirit so that I can serve you. अगर अन्य भाषा का वरदान मिल चुका है, आप और जोर से पुकार कर कहिए, प्रभु ये भाषा काफी नहीं है, और गहराई मुझे चाहिए। और अगर अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला, अभी आपको मिलेगा, क्योंकि मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा देता है। Oh, if you have not received the gift of tongues, oh, pray out to God right now. Ask from Him and He will give you the gift of tongues. Come on, and if you have received the gift of tongues, then come on, you. Oh, pray to God that God take me deeper into that ocean. Take me deeper into the life of the Holy Spirit. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। If you ask, you will receive. मांगो मांगो मुख खोलकर बोलो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझे अन्य भाषा का वरदान ही नहीं, मुझे आपकी हुजूरी मेरे जीवन के अंदर चाहिए। Oh, ask to God, ask from God, God, I do not just need the gift of tongues, but I need the fulfilling. Oh, I need the anointing of the Holy Spirit. I want to go to the depths of His life. Oh, teach me how to pray, Holy Spirit. Oh, मुझे कैसे प्रार्थना करना है ये सिखा पवित्र आत्मा। Teach me how to worship, Holy Spirit. Oh, कैसे आराधना करना है ये मुझे सिखा पवित्र आत्मा। Teach me how to give my time, my energy, Holy Spirit. और अपना समय और अपनी ताकत कैसे सेवा में खर्च करना है ये मुझे सिखा पवित्र आत्मा। Teach me how to take care of my wife and love my wife as Jesus loved me. और मेरी पत्नी से मैं कैसे प्रेम करूं, उसका कैसे ध्यान रखूं, ये मुझे सिखा परमेश्वर। Holy Spirit, teach me as a wife how to care for my husband and how to be a true bride to her. और पवित्र आत्मा मुझे सिखा कि कैसे मैं अपने पति का ध्यान रखूं और कैसे उसका उससे प्रेम करूं। जोर से जिनको समझ में आ रहा है, हालेलुया। आप मशीन चलाते हो, पवित्र आत्मा एक बड़ी मशीन दिखा रहा है, आप मशीन चलाते होंगे, कंपनी को नुकसान हो रहा होगा, आज आपके ऊपर अभिषेक आएगा और अभिषेक के द्वारा प्रभु आपका अनुग्रह देगा, आपकी दुकान में खड़े रहने के द्वारा उनका गल्ला अच्छा चलेगा, क्योंकि आप अभिषेक पाए हुए व्यक्ति है। The Holy Spirit is showing me a big machine. So you are a person, you can run that machine and the business is going down. It's in loss. Yes. But if you are filled with the Holy Spirit, just with you standing there, just with you operating that machine, that business will be in profit. अरे बहन, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चर्च के अंदर के लिए ही नहीं है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा घर के अंदर, बाजार के अंदर, ऑफिस के अंदर, ऑफिसरों के सामने, आपकी निंदा करने वालों के सामने खड़े होने के
अभिषेक और सामर्थ देने वाला आत्मा है मांगिए 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 dear sister let me tell you this baptism of the holy spirit is not just for the church but it is for your home or it is for the marketplace it is for the place where you work it is for those who ridicule you in front of those people god will fill you with the holy spirit and raise you up वो खोल के बोलो प्रभु जिस नौकरी में मैं हूं वहां पर तेरा अभिषेक दे ताकि मैं तेरे कामों को वहां कर सकूं pray out to god and say god fill me with the holy spirit in the place I work समझ में आ रहा है तो आवाज बंद मत करिए आवाज बंद मत करिए थोड़ा और जोर से थोड़ा और जितनी ज्यादा चुनौती उतने ज्यादा अभिषेक की जरूरत है जितने बड़े पहाड़ आपके सामने हैं उतना बड़ा अभिषेक प्राप्त करिए और पहाड़ आपके लिए राय के दाने के समान होने जा रहा है भाषा बोलने वालों आत्मा से भर जाओ लेकिन रुको मत प्रभु से बोलो ये वरदान ही नहीं मुझे और वरदान चाहिए oh if you speak in tongues and pray out to God God I don't want to stop here I need the depths of the Holy Spirit समझ में आ रहा है तो हाथ उठाकर आत्मा में भरकर मुझे नहीं मालूम मैं तो बोल रहा हूँ बस आप अभिषेक पा लीजिए नासरी यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसी वक्त आपको मिलने पाए if you understand this then raise up your hands इन सारे कामों को तुमसे करवाए एंड इन माय एब्सेंस
He will be with you and he will help you to do all these things. कैसे चुनौतियों का सामना करूं? How will you overcome the circumstances? पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा. The Holy Spirit will help. एक और बात मैं बोलूंगा, समय हमारे पास बहुत कम है. एक और बात बोलकर मैं बंद करूंगा. There's one more thing I'll say and I'll close. 17 आयत में इस प्रकार लिखा है. Verse 17. सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, न उसे देखता है, न उसे जानता है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ. थोड़ी देर रह गई है, यानी कि कुल मिलाकर यीशु मसीह कह रहा है तुम पवित्र आत्मा को पाओगे और उसके साथ ही साथ मेरी गैर हाजिरी में भी मेरी करीबी को तुम पाओगे. And in verse 17 you can find that Jesus is saying that you will receive the Holy Spirit and even in my absence you will feel my presence, you will know my presence because of the Holy Spirit. मैं जा रहा हूँ. I am about to go. शिष्य रो रहे, क्यों जा रहे हो आप? क्यों जा रहे हो? हमको छोड़ के क्यों जा रहे हो? The disciples are sad. They're crying, why are you leaving us? मैं जा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा को तुम्हें भेजूंगा. But Jesus said to them, I am about to leave, but I will send the Holy Spirit. और 19 में कहता है, थोड़ी देर रह गई है, संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे. और 21 में कहता है, जो कि आपने आपकी प्रार्थना में पास ब्लेसिंग पहले बोला, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. Verse 19 he says, before long the world will not see me anymore, but you will see me because I live, you also will live. And in verse 21 Jesus said, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by the Father, and I too will love them and show myself to them. नई करीबी पवित्र आत्मा यीशु के साथ लेकर आएगा. The Holy Spirit will bring us closer to Jesus. कितने लोग दिल से चाहते हैं हाथ पर उठाना? कितने लोग दिल से चाहते हैं मैं यीशु के थोड़ा और करीब आना? How many of you really feel that I want to be closer to Jesus? वचन से थोड़ा और प्रेम करना चाहता हूँ. I want to love the Word of God. थोड़ा और प्रभु के सामने बैठना चाहता हूँ. I want to sit with Jesus a little more. थोड़ा और यीशु को जानना चाहता हूँ. A bit more. I want to know Jesus Christ. आज हम कहना चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा को बुलाइए, वो यीशु की भरपूरी लेकर एक नए तरीके से आपको आज सुबह से तरोताजा करेगा. Let me tell you this morning, invite the Holy Spirit in your life. He will bring you closer and new closeness. He will bring you to the Holy Spirit with Jesus Christ. आपका समय वो बचा लेगा. He will save you a lot of time. और आपके छोटे से समय के अंदर जितना समय आप प्रभु को दे रहे उसको बढ़ाकर और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाकर आपको यीशु के करीब ले आएगा. He will increase the quality of the time that you spend with God and he will bring you closer to Jesus Christ. मिला के आज मैं क्या बोल रहा हूं मालूम आपको? And in summary this is what I'm trying to say to you. मैं इतना ही आपको कह रहा हूं, पवित्र आत्मा को एक कोने में मत रखिए. पवित्र आत्मा को वहां उस कोने से आमंत्रित कर अपने जीवन के केंद्र बिंदु में लेकर आइए और वो अपनी महिमा नहीं करेगा, अपनी बातों को नहीं कहेगा, यीशु की महिमा करवाएगा और पिता को सारी आदत पहुंचाता हुआ रहेगा. What I'm trying to say is don't keep the Holy Spirit in the corner, but invite him, give him the center stage of your life, and he will not talk about himself or teach you about himself, but he will teach you all things about Jesus Christ and he will bring you closer to Jesus. So whether it is missions, हो सकता है सेवा की बात, whether it is ministry, और आप एक कलीसिया में सेवा की बात, private life, आपके व्यक्तिगत जीवन की बात, whether it is private devotion, और आपके व्यक्तिगत आराधना की बात, whether it is public performance, और हो सकता है कि आप बाहर समाज में आप परमेश्वर की सेवा, और your daily routines, और आपकी दैनिक बात होगी, invite the Holy Spirit to take over your life and your day and you will be a changed person. आप पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें आपके जीवन का कब्जा लेने के लिए, आपके दिन भर का कब्जा लेने के लिए, आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे. समझ में आ रहा है तो जोर से हालेलुया आप लोग बोलिए. यीशु ये प्रतिज्ञा दे रहा है. Jesus is giving you this promise. मैं तुम्हें वो दूंगा. I will give it to you. आप बोल रहे मुझे कैसे मिलेगा पवित्र आत्मा? कहां है पवित्र आत्मा? You may be asking, where is Holy Spirit? How will I receive it? लुका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करते हुए सिखाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. In the Gospel of Luke, Jesus taught his disciples to pray and he said, if you ask, you will receive. आपने तो वो मांगो वाली प्रार्थना को नौकरी और डबल रोटी में बदल दिया है. And we have turned that prayer away from its focus into asking for our needs. Yes. But Jesus is saying, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. क्या? पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा. But Jesus said that ask and you will receive. He's talking about asking about the Holy Spirit. आज जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा तो आपको अभिषेक मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, सहिष्णुता मिलेगी, प्रेम मिलेगा, सब कुछ पवित्र आत्मा आपको मिलेगा और आप पिता को भाने वाला जीवन इस पृथ्वी पर जी सकेंगे. When you receive the Holy Spirit, you will receive peace.
peace. Oh, you will receive humility. Oh, you will receive patience. You will receive all the good things. And you will be able to live a life that is pleasing to God. But let me tell you what Pentecostal people do. And as soon as the song is over, we need to clap 18 times. And in those 18 claps, 1.5 tongues should come out. And we finish speaking in tongues and say, oh, our thing is done now, we can work on our own strength. आप शिक्षक की सेवा को भी आत्मा के हाथ में देकर बोलिए आज मैं ऑफिस जा रहा हूं पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करना और आपकी इच्छा के अनुसार ही मुझसे करवाना यीशु की मर्जी मुझ में पूरी करवाना अगर आप ये अनुमति पवित्र आत्मा को रोजमर्रा के जीवन में देंगे वो आपको यीशु की समानता में आशीषों में अनुग्रह में बढ़ाता है बट व्हाट वी नीड टू डू वी नीड टू गिव आवर डेली लाइव्स टू द होली स्पिरिट इफ यू आर अ टीचर इफ यू टीच चिल्ड्रन यू कैन प्रे टू द होली स्पिरिट आई गिव माय होल डे टू यू एंड यू विल बी फिल्ड विद the Holy Spirit and the Holy Spirit will change you into a new person and the way you do things will change because of the anointing of the Holy Spirit. पहली बात पवित्र आत्मा क्या करेगा? What will be the first thing that the Holy Spirit does? आपको यीशु के कार्यों को करने की मदद करेगा. He will help you to do what Jesus did. 14-12 यूहन्ना से मैं बहुत समय से मैं प्रभावित हूं और सोचने पर मजबूर हूं I was influenced by I've been influenced by John 14:12 for a long time and I've been thinking about it for a long time ये कैसा गुरु है ये कैसा शिक्षक है जो खुलेआम कह रहा है जो मैंने किया उससे भी बड़े काम तुम करोगे What kind of a master is he he's saying to his disciples that you will do greater things than what I have done अरे भैया हम जो शिक्षक जानते हैं हम जो गुरु जानते हैं वो तो आखिरी हथियार बचा के रखते हैं ताकि उनकी कुर्सी भी बची रहे The teachers that we know or the masters that we know they don't give everything they don't teach everything they keep something to themselves because they are teachers इस उदाहरण को मैं कई बार इधर बोल चुका हूं फिर भी एक बार और बोलकर मैं बंद करूंगा I've given this example many times and so I will say it again बहुत साल पहले जब पहली बार इस कैंपस में कंप्यूटर आया many years ago when computer came for the first time when we got a computer for the first time in this campus aur mujhe badi ichha thi computer ko seekhne ki and I wanted to learn the computer aur bazaar se kuch logon ko bulaya gaya jo typing ka kaarya aur us samay ka graphic designing ka kaam karte the and there were some people who were there in the marketplace there were courses so that they can teach about typing and graphic designing aur prime institute tha IICT और वन ऑफ द मेन और वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड वाज IICT और मैंने वहां पर दाखिला लिया एंड आई टुक एडमिशन देयर और मेरी इच्छा होती थी घर पे भी ये लोग करते हैं तो देखूं मैं ये कैसे काम करते हैं एंड आई फेल्ट दैट दे डू इट एट होम एज़ वेल सो आई वांट टू सी हाउ दे डू इट जो कंप्यूटर चलाते हैं उनके लिए बोल रहा हूं 486 का जमाना था इतना बड़ा टावर था और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था स्क्रीन के रूप में 12 इंच का एंड दोस हु नो अबाउट कंप्यूटर्स लेट मी टेल यू इट वाज अ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन एंड देयर वाज अ बिग टावर फॉर कंप्यूटर एंड was a very old computer. और उदयपुर का पहला लेजर प्रिंटर इस कैंपस में आया था एंड द फर्स्ट लेजर प्रिंटर इन उदयपुर वी बॉट इन दिस हवाई जहाज में आया था एयर इंडिया से आया था और बाद में आने के बाद हिंदुस्तान जिंक से भी लोग देखने के लिए आए थे स्कैनर आया हमने सुना एचपी ने भेजा हम देखने के लिए एंड इट केम इन एन एरोप्लेन इट केम इन एयर इंडिया एरोप्लेन एंड इवन पीपल फ्रॉम द कंपनी हियर हिंदुस्तान जिंक दे केम टू सी हाउ डज इट लुक लाइक उन बातों को याद करते करते मैं सीखना चाहता था और ये जब करते थे कुछ दबाते तो वहां गोल आ रहा कुछ दबाते तो वहां तीखा हो रहा कुछ दबाते तो बड़ा हो रहा ये कैसे होता है And I was looking. I wanted to learn these things. I'm looking at them. I'm seeing what they're doing. They do something on the keyboard, and things become big. They do something. A square shape appears on the screen. I was wondering how this happened. So मैं देखता रहता. And I just kept looking at them. फिर इनसे मैं पूछता कैसे किया? And I would ask them, How did you do it? वो मित्र आज भी है. मेरे को देखकर मुड़कर बोलता है. Time lagega. And my friend is still there now. He would look at me and with smile he would say, "Hi, it will take some time." अरे कैसे किया? वो बोला कैसे किया? How did you make that circle? Time lagega. It will take some time. आज भी हम मित्र हैं प्रभु की दया से. We are still friends. Thank God for that. Time लगा. It took some time, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि स्क्रीन के साथ साथ मैं कीबोर्ड पे भी देखता रहा वो क्या दबाता रहा। But it didn't take as much time as he expected because I was looking at the screen, but I was also looking at the keyboard what he was doing. कुल मिला के मैं क्या बोल रहा हूँ? आज के कहने वाले गुरु लोग टाइम लगेगा कहेंगे। And let me, why I'm saying this, let me tell you, those who call themselves guru these days, they will say it will take some time. लेकिन आपका गुरु
तुमको आत्मा दे रहा हूं और जो मैंने किया उससे भी बड़े काम आने वाले दिन में तुम्हें दिखाएगा. Because I'm giving you the Holy Spirit and you will do greater things than me. Kya risk le rahe ho Yeshu Masiya? And Jesus Christ, why are you taking this risk? Aapke anpadh logon ke 12 shishyon ke is jhund ko aap bol rahe ho mere se bhi bade kaam karoge. You are talking about these illiterate people, these 12 disciples, that they will do greater things than you. Ha, Yeshu bolta hai mujhe tum 12 par to bharosa hai, lekin jisko main bhej raha hu us par zyada bharosa hai. वो मेरे जैसे कामों को तुमसे वो करवाएगा और पिता की मर्जी पृथ्वी पर पूरी करेगा. Jesus saying that I trust these 12 disciples, but more than this, I trust the one whom I'm sending, that he will make you do things just like me, even greater than me. आज सुबह पवित्र आत्मा कहता है, मैं मेरे काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे भेजने वाले के काम को भी पूरा कर. This morning the Holy Spirit is telling us that I'm not doing things of my own accord, but I am doing what my sender has asked. थोड़ा बहुत समझ रहे हैं आप? थोड़ा बहुत समझ रहे हैं? Are you getting something? आपके चेहरे पर मालूम पड़ेगा आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Your faces will tell me whether you have understood. मार्बल के चौकोर गिन रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया. If I counting the number of tiles here, that means you have understood everything. Thank you. आज सुबह पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है. The Holy Spirit is inviting you this morning. यीशु के कामों को करने के लिए बुला रहा है. To call you to do what Jesus has done. मनमर्जी करने के लिए नहीं. Not to do things according to your desire. आपकी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए नहीं. Not what you feel like. पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है आपको बलवंत करने के लिए ताकि आप यीशु के नामों को पृथ्वी पर. Fulfill the will of the Father. The Holy Spirit is inviting you this morning. और अन्य भाषा तक ही नहीं उसके आगे भी ले जाने को वास्तव में. Not to be limited till the speaking of tongues, but to go beyond that, to dive into the notion of the Holy Spirit. अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. Let us all stand in our places this morning. अगर आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला, हम आपको कहना चाहते हैं सबसे पहले उसका रिक्वायरमेंट है आप पापों से पश्चाताप करिए, अपना जीवन यीशु को देकर उसको अपने जीवन में प्रभु और स्वामी करिए. If you have not received the gift of tongues this morning, I want to invite you to ask the Holy Spirit. But the first requirement is we need to ask forgiveness. We need to repent from our sins. Ask forgiveness from our sins. बाइबल में और कोई कंडीशन नहीं है. जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं आपके जीवन के अंदर एक पवित्र एक अग्नि एक पवित्र पवित्रता के लिए भूख और प्यास आपके जीवन में शुरू हो जाती है. There is no other requirement in the Bible. As soon as you repent from your sins, as soon as you ask forgiveness, there is a hunger for holiness that begins. और संसारिक काम के लिए पीछे और प्रभु की बातें आपके लिए आगे आ जाएं. You set aside the world and now you give priority to the things of God. और जब आप पवित्र आत्मा को बोलते हैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए, एक नई भाषा से मुझे भर दीजिए. ये भाषा प्रार्थना की भाषा है, ये भाषा आराधना की भाषा है, ये भाषा अभिषेक की भाषा है, गुप्त बातों को बोलने वाली ये भाषा है. And then you pray to the Holy Spirit and then say that the Holy Spirit anoints me and give me this new language, and this is the language in which you worship, in which you pray, in which you talk to God. Oh, this is the language in which you talk secret things about God. आज सुबह अपने हाथों को उठाकर उस नई भाषा में बोलना शुरू करें. Let us raise our hands this morning and receive. आपको अजीब सा लग रहा है लेकिन आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं. आपको यह भाषा पहली बार और बार-बार और कई बार आपको आने वाले दिनों में मिलने जा रहा है. You may feel a bit strange this morning talking about this, but let me pray for you. Let me tell you, you're going to receive this new language again and again in the coming days. विश्वास करो तो ये चिन्ह तुम पर प्रकट होंगे. Believe this and these signs will appear for you. और क्या है वो चिन्ह? तुम नई नई भाषाएं बोलोगे. What are the signs that you will speak in new tongues? पानी का मैं से सिखाता हूं, जहां जाता हूं पानी का बपतिस्मा एक बार, आत्मा का बपतिस्मा बार बार. Oh, you take water baptism once, but you are baptized by the Holy Spirit again and again. मैं तो हर बार आत्मा का बपतिस्मा कितने लोग चाहते हैं? वे लोग हाथ उठाकर बोलिए, नया बपतिस्मा मुझे चाहिए. How many want this baptism of the Holy Spirit? यीशु के अद्भुत नाम में आज विश्वास से घोषणा करते हैं लोगों को अद्भुत तरीके से अन्य भाषा का वरदान इस वक्त मिल जाने पाए. Oh, we declare this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, that the people asking for the gift of tongues will receive it. इस वक्त ले लो विश्वास से अन्य भाषा का वरदान. Oh, we receive it in faith. और विश्वास से बोलने लगो. And speak out the tongues. पवित्र आत्मा की सहायता करेगा. Oh, the Holy Spirit will help. इस वक्त विश्वास से बोलो, क्योंकि यीशु ने बोला जो विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. Believe in Jesus Christ and receive the gift of speaking in tongues, because Jesus said, for those who believe, oh, rivers of living water will flow out of them. नासरी यीशु के नाम से जिसने बोला मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, उस यीशु के नाम से इसी वक्त अन्य भाषा
आपको जाने पाए. The one who said that I will send the helper in the name of that Jesus Christ, oh, let the people receive the gift of speaking in tongues. अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, अपने हाथों को उठाकर हिंदी और इंग्लिश में बोलना छोड़कर विश्वास करिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर एक नई भाषा इसी वक्त देगा. If you have not received the gift of speaking in tongues till now, raise your hands, stop speaking in the languages that you know. Pavitra.
पवित्र आत्मा हम तेरे हाथ में देते हैं the instruments that we play we are you commit to your hands holy spirit हमारा गाना पवित्र आत्मा हम तेरे हाथ में देते हैं our singing we give it to your hands holy spirit शरीर में हम ना गाएं ना बजाएं पूरी तरह से तुझ पर भरोसा रखते हुए हमारे कार्य को करने वाले हो जाए Help us to stay close to Jesus. और यीशु मसीह के और करीब तो हमें ले जा पवित्र आत्मा Teach us the things about Jesus. और यीशु मसीह के बारे में तो हमें सिखा पवित्र आत्मा. Show us Jesus, Holy Spirit. यीशु मसीह को हमारे सामने प्रकट कर पवित्र आत्मा. आप में से कुछ लोग ऐसे जो बार बार बोल रहे हैं हमको एक यीशु का दर्शन चाहिए यीशु का दर्शन चाहिए ऐसे प्रभु मुझे बोल रहे हैं There are some of you who are praying for many times, so I pray many times that I want a vision of Jesus Christ. आपकी प्रार्थना का जवाब प्रभु देगा God will answer your prayer. लेकिन आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर उसके चरणों पर बैठना पड़ेगा. But for that, you will have to be filled with the Holy Spirit and sit at the feet of Jesus. कभी भी आपने अगर ये प्रार्थना की है मुझे यीशु को देखना है, अपने हाथों को उठाइए और उस अनुग्रह को मांगिए पवित्र आत्मा से. बोलिए पवित्र आत्मा, आपकी मदद से मैं यीशु को देखूंगा. If you have ever prayed that Jesus, I want to see you, I need a vision of you. Pray out to the Holy Spirit this morning. Holy Spirit, fill me, anoint me, so that I can see Jesus. मेरा जीवन तेरा है. My life belongs to you. मेरा सब कुछ आपका है पवित्र आत्मा. Everything that I have belongs to you, Holy Spirit. एक इंच भी आपके नियंत्रण के बाहर मैं इस सप्ताह नहीं चलूँगा. Not even one inch I keep for myself, but I give everything to you. आपके संपूर्ण नियंत्रण मेरा मन, मेरी भावना, मेरी इच्छा शक्ति, मेरा सब कुछ आत्मा आपके अधीन करता हूँ. My life, my will, my desires, everything I bring under your control. यीशु की करीबी आप हमें देंगे इसलिए धन्यवाद. And I pray that you may bring us closer to Jesus Christ. आपने हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद. Thank you for listening to our prayer. यीशु के नाम से मांगते हैं.